हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल धाकड़। जैसे कि यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जनरली बीई के अंदर ये यूनिट थर्ड का पार्ट है और डिप्लोमा के अंदर अलग से एक यूनिट है जिसका नाम है गियर ट्रेन। तो इस पर मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि व्हाट इज गियर ट्रेन, गियर ट्रेन होता क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन, देन मैंने आपको बताया था स्पीड रेशो एंड ट्रेन वैल्यू रेशो क्या होती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर रखी हैं। तो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर को आप देखिए, और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और आप मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं atuldhakar25@gmail.com। आपको जो भी क्वेरी है स्टडी से रिलेटेड आप मुझे इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर मेरे देख सकते हैं। इस थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में मैंने अभी तक आपको 60 से 70 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। साथ ही साथ थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसमें भी मैंने 70 के अराउंड वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। और थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट जो है वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं गियर ट्रेन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गियर ट्रेन क्या होता है, नंबर ऑफ गियर्स का अरेंजमेंट करते हैं हम डिफरेंट नंबर ऑफ शाफ्ट पर, और उसका सेम फंक्शन होता है पावर को ट्रांसमिट करना। जैसा कि आपने लेथ मशीन में जो आपका हेड स्टॉक है वहाँ पर देखा होगा, नंबर ऑफ गियर्स का अरेंजमेंट है एक दूसरे के शाफ्ट पर लगे हुए हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, गियर ट्रेन। मतलब गियर ट्रेन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स होता है, ठीक है। तो जनरली इसमें डिफरेंट टाइप्स के गियर ट्रेन होते हैं जिसमें मैंने आपको चार इंपॉर्टेंट टाइप्स के बताए। उसमें से पहला हम आज डिस्कस करेंगे सिंपल गियर ट्रेन। तो सिंपल गियर ट्रेन होता क्या है, उसके बाद इसके अंदर का ट्रेन वैल्यू कैसे निकालते हैं, और उसके बाद इसमें स्पीड रेशो कैसे निकालते हैं। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछ लेता है वो, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले सिंपल गियर ट्रेन का मेन फंक्शन क्या है उसको हम जानते हैं। अ सिंपल गियर ट्रेन इज द वन इन विच देयर इज ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट। तो हमेशा इसमें क्या होगा, जो सिंपल गियर ट्रेन हो उसमें एक गियर एक शाफ्ट पे अरेंज होगा, और ऐसे आप नंबर ऑफ जो है शाफ्ट के द्वारा नंबर ऑफ गियर का अरेंजमेंट कर सकते हैं, 4, 5, 6 जितने आप करना चाहो। 2 से स्टार्ट करोगे और आप कितने भी अरेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसका सीधा सा फंक्शन ये है कि आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, जो सिंपल गियर ट्रेन है इसमें कुछ नहीं है, ये एक गियर है, इस पर अपने टीथ होंगे, मैंने टीथ नहीं बनाए, दूसरा गियर ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो इनमें शाफ्ट लगी हुई है ना, और ये अपने शाफ्ट पर माउंट है, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ गियर्स जो है ये डेफिनेशन वही बता रहा है कि ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट, एक गियर एक शाफ्ट पर कनेक्ट होगा और पावर को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। बीच में जो गियर्स होंगे वो इंटरमीडिएट गियर होंगे जिसे हम आइडलर गियर भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होगा आपका ड्राइवर, दूसरा होगा ड्रिवन, ठीक है। इस चीज को अभी समझेंगे हम, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है इस गियर ट्रेन का, सिंपल गियर ट्रेन का, इसको हम समझेंगे। अ सिंपल गियर ट्रेन इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ गियर विदाउट चेंजिंग इट्स एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ये जो गियर्स आप देख रहे होंगे सबकी डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो सबकी डायरेक्शन अलग है, मतलब ये इस टाइप से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये आपका क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको जिस डायरेक्शन में मतलब शाफ्ट को रोटेट करवाना है, मतलब जहाँ पर मशीन में लगा के उसको फंक्शनिंग करवाना है, उस अकॉर्डिंग इसका अरेंजमेंट आप कर सकते हो। तो इसमें मेन फंक्शन ये है कि आप जो है डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, रोटेशन ऑफ गियर जो है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स एंगुलर वेलोसिटी। मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी मतलब इसकी स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा, और उसके बाद जो है आप उनकी डायरेक्शन को एक्सचेंज या चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन और है, अ सीरीज ऑफ गियर कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट इज कॉल्ड एज अ सिंपल गियर ट्रेन। तो ये सीरीज ऑफ गियर ट्रेन है, आप देख रहे होंगे यहां पर सीरीज ऑफ गियर ट्रेन लगी हुई है। तो मैंने ये सिंपल गियर ट्रेन का एक डायग्राम आपको बनाया है जिसमें मैंने 4 पेयर जनरली लिए हैं, इसके अंदर हमने 3 पेयर जो है डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका फंक्शन किस टाइप से होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 गियर हैं, 4 गियर जो है इक्वल साइज़ के भी हो सकते हैं और अलग अलग साइज़ के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसे हमने फर्स्ट माना, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, सबकी जो आप देख रहे होंगे एक ही जो है ये एक ही एक्सिस पे है ना, इस टाइप से एक ही शाफ्ट की एक्सिस जो है वो एक ही टाइप से है। दूसरी चीज़,
इसमें रोटेशन देख रहे होगे आप, ये जो गियर है अगर मैं इसको जो है पावर दूंगा यहाँ से, तो इसको हम ड्राइवर मानेंगे, ठीक है। तो ड्राइवर मतलब जिसमें आप पावर दे रहे हो, मशीन से जिसमें पावर दे रहे हो या मोटर से जिसमें पावर दे रहे हो, और ड्रिवन कौन होगा, जो पावर बाद में लेगा, है ना। तो ये आउटपुट होगा, ये आपका इनपुट होगा, बीच में जो होंगे ये इंटरमीडिएट होंगे, ये क्या काम करेंगे, इसको इसके द्वारा इसको रोटेट करवाएंगे, ठीक है। तो सिंपल गियर ट्रेन में इस टाइप से अरेंजमेंट होता है, नंबर ऑफ शाफ्ट लगे होते हैं, नंबर ऑफ गियर्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। एक तरफ से हम पावर देते हैं तो दूसरी तरफ से हम पावर को ट्रांसमिट कर देते हैं, यहाँ से पावर को हम यहाँ पर ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो लेंथ देख रहे होंगे आप, इसके अकॉर्डिंग, ये लेंथ के अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं कि कितनी इसकी लेंथ रखना है आपको, आपका जो मशीन कंपोनेंट है या जो मशीन है उसमें कितनी स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग इनका अरेंजमेंट करके हम इनका साइज डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, फिर ये आपका क्या है क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इस टाइप से जो है डायरेक्शन इसकी चेंज होती है। बीच में ये दो गियर्स लगे हुए हैं, इन्हें हम इंटरमीडिएट गियर बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गियर जो होते हैं ये स्मॉल भी हो सकते हैं आपके, स्मॉल इसलिए होंगे क्योंकि इनका काम जो होगा वो पावर को ट्रांसमिट करना है, मतलब यहाँ से यहाँ पर। और जो ड्रिवन होता है इसको हम फॉलोअर भी बोलते हैं, इसको हम आइडलर भी बोलते हैं, जिसका यूज़ हम फोर करते हैं फॉर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट गियर। इनका यूज़ क्या करते हैं हम, जैसे इंटरमीडिएट गियर या आइडलर गियर जो है इसका काम ही यही है, जो लेफ्ट एंड राइट गियर जो है उनको कनेक्ट करता है और पावर को ट्रांसमिट करता है। तो मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ कि इस टाइप का ये जो आप देख रहे होगे यहाँ पर, इस टाइप से अरेंजमेंट रहता है ना, ये जो गियर देख रहे होगे आप ऐसे सेम टू सेम अरेंजमेंट इसमें होता है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल गियर ट्रेन है, अलग अलग शाफ्ट देख रहे होगे, अलग अलग शाफ्ट पे अलग अलग टाइप से ये अरेंजमेंट है, एक को पावर दोगे तो दूसरे को पावर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये दोनों सेम साइज़ के हैं, ये दोनों सेम साइज़ के हैं, तो ऐसे अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, सेम साइज़ के हो सकते हैं। जैसे ही मैंने थ्री पेयर भी डिफाइन कर रखा है यहाँ पर, ये दोनों जो है आपके देख रहे होगे सेम साइज़, ये आपका अलग साइज़ इंटरमीडिएट गियर, तो ये आपका ड्राइवर, ये हो गया ड्रिवन जिसे हम फॉलोअर भी बोलते हैं, और ऐसे ये शाफ्ट में अरेंज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इस टाइप से शाफ्ट में अरेंज होते हैं, तो ये जो देख रहे होगे आप ये एक गियर है यहाँ तक, ठीक है, ये दूसरा गियर, ये शाफ्ट है, वन टू थ्री जो है ये शाफ्ट है, वन टू थ्री शाफ्ट पे, वन टू थ्री जो है वो गियर का अरेंजमेंट है, और बीच में इंटरमीडिएट गियर है, तो इनका काम जो है वो पावर को ट्रांसमिट करना है। तो मैं आपको इसका फंक्शन जो है दिखा देता हूँ, इस टाइप से ये रोटेट होते हैं, देख रहे होगे आप यहाँ पर जो है, मैंने अगर ए को पावर दी और इस पर 20 टीथ हैं, तो ये क्या करेगा, इसे क्लॉकवाइज घूम के इसको पावर देगा, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर ये इसको पावर देगा, तो ये फिर क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हमने इनपुट टू आउटपुट पावर को ट्रांसमिट किया, ठीक है, या हम यहाँ पर इनपुट मानेंगे तो यहाँ पर इसको आउटपुट मान लेंगे, और बीच में इंटरमीडिएट, तो इस टाइप से हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ऐसे नंबर ऑफ हो सकते हैं ना, और ऐसे ही नंबर ऑफ टीथ इनके ऊपर अरेंज होते हैं। तो सिंपल गियर ट्रेन जो है इस टाइप का होता है, होप आपको समझ में आ गया होगा सिंपल गियर ट्रेन। अब जो है हम इसमें देखेंगे इसकी स्पीड रेशियो और इसकी ट्रेन वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड रेशियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि स्पीड रेशियो होता क्या है, तो यहाँ पर जो है N1 क्या है आपको, स्पीड ऑफ ड्राइवर इन RPM, तो स्पीड रेशियो कुछ नहीं होता, ड्राइवर जो स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन, ठीक है। और अपोजिट अगर टीथ के रिस्पेक्ट में हम देखें, नंबर ऑफ जो टीथ है उसके रिस्पेक्ट में देखें, तो ऊपर आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका ड्रिवन का टीथ और ये हो जाएगा ड्राइवर का टीथ। तो स्पीड रेशियो क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये रेशियो होता है जो कि क्या बताता है, ऊपर आपका फर्स्ट गियर जो है जो कि ड्राइवर है अपॉन ड्रिवन, ठीक है, या इसकी एंगुलर वेलोसिटी अपॉन इसकी एंगुलर वेलोसिटी, जो कि होता है स्पीड रेशियो। और ट्रेन वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन स्पीड रेशियो, मतलब ये उल्टा हो जाता है, N2 अपॉन N1, जो कि मैंने अभी आपको फर्स्ट इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी बताया है प्रॉपर डेफिनेशन देके। और ये होता है आपका इक्वल टू टीथ के रिस्पेक्ट में T1 अपॉन T2, मतलब T1 जो है ये गियर जो आपका 1 है उस पर टीथ, और T2 जो है जो ये ड्राइवर पे जो गियर है उस पर टीथ, ठीक है। तो इस टाइप से स्पीड रेशियो होता है, ये आपका ट्रेन वैल्यू होती है जो कि होती है 1 अपॉन, तो हम जनरली स्पीड रेशियो को निकालते हैं नंबर ऑफ टीथ के अकॉर्डिंग, कितने नंबर ऑफ टीथ हैं। तो आप इसमें जो आप देख रहे होगे, ये जो गियर आपका दे रखा है यहाँ पर, इसका हम निकालेंगे, जैसे कि 1, 2, 3 बीच में इंटरमीडिएट गियर है, ये आपका ड्राइवर है, ये है आपका ड्रिवन है, तो इस पर कुछ टीथ होंगे हमने मान लिया, इस पर कुछ टीथ होंगे ये मान लिया, और इस पर कुछ टीथ होंगे, तो ये मैंने वही लिख रखा है। N1 जो है स्पीड ऑफ द ड्राइवर RPM, इसका जो है ये माना कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका कुछ RPM है, ठीक है, तो इसको N1 मान लिया। N2 जो है वो इंटरमीडिएट वाले को मान लिया,
और N3 जो है वो हमने मान लिया कि इसका स्पीड ऑफ ड्रिवन और फॉलोअर, इसको जो है हमने फॉलोअर माना है, तो इसकी तो तीनों की जो है हमने क्या देख ली, स्पीड, और तीनों पर टीथ देख लिए कि T1 इस पर है, T2 इस पर है, T3 इतने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे देखो एक एक करके, 1 mass driver with 2 intermediate, तो हम जो है पहले सबसे पहले फर्स्ट एंड टू को देखेंगे, इसके बीच स्पीड रेशियो निकालेंगे, मतलब इसका इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपका पहला तो ड्राइवर है, दूसरा ये ड्रिवन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, दो गियर के लिए रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, है ना, तो ये हम पूरा गियर ट्रेन के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे, ओनली दो गियर के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा इसका N1/N2 स्पीड रेशो क्या होगा, N1/N2, मतलब N1 क्या है आपका जो ड्राइवर है उस पर उसकी स्पीड, अपॉन नीचे N2 क्या है जो आपका ड्रिवन है उसकी स्पीड जो कि इंटरमीडिएट है, ये इक्वल टू हो जाएगा T2/T1, तो T2 क्या है यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट गियर है इस पर टीथ, है ना, और इसके T1 जो है जो आपका ड्राइवर है उस पर टीथ। तो इस टाइप से जो है हम टू गियर से रिस्पेक्ट में जब मैथ्स कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हमने निकाल लिया, ऐसे ही हम गियर 2 and 3 निकालेंगे। देखो 1 and 2 निकाल लिया, अब 2 and 3, तो 2 and 3 में सेम क्या होगा, N2/N3 स्पीड रेशियो निकाल रहे हैं ना, और T3/T2, तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये क्या है आपका, ये टीथ है, नंबर ऑफ टीथ जो है तीसरे वाले गियर पर और दूसरे वाले, जैसे कि इस पर 20 है तो इस पर 10 है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो है हम ट्रेन वैल्यू, टोटल ट्रेन वैल्यू इस पर निकालेंगे, तो द स्पीड रेशियो ऑफ गियर ट्रेन, अब गियर ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ये तो हम दो गियर्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, लेकिन गियर ट्रेन में दो से ज़्यादा जो है गियर्स का अरेंजमेंट होता है। तो जैसा कि हमने दोनों में देखा, दोनों इक्वेशन से देखते हैं, N1 और N2, ये N1 N2 into N2 और N3, ठीक है, तो पेयर बन रहा है ना हमारा, 1 से 2, 2 से 3, तो दोनों का लिख लिया हमने, ये क्या है आपका स्पीड है, ठीक है, जो कि RPM में होगा। उसके बाद टीथ लिख लिया हमने, T2/T1 into T3/T2, अब इसका कैलकुलेशन किया तो इसको कट कर दिया, इससे ये कट दिया, तो N1/N3 = T3/T1, तो हमारा जो है ये फाइनल कंक्लूजन आ गया। फाइनल मतलब ये N1 क्या है आपका, N1 जो है ये ड्राइवर और N3 क्या है ये ड्रिवन, तो नंबर ऑफ ये इसका स्पीड RPM में N1 का, और N3 जो है ये फाइनल का स्पीड RPM में, और इसके अकॉर्डिंग हम टीथ जो है T3 पे कितने टीथ हैं और T1 पे कितने टीथ हैं, नंबर ऑफ इनका रेशियो जो है ये आपका स्पीड रेशियो निकल के आ गया। तो स्पीड रेशियो जो है जनरली हम किस टाइप से इसको एक्सप्लेन करेंगे, अगर मैं इसको लिख के दिखाऊँ आपको, स्पीड रेशियो इक्वल टू स्पीड ऑफ द ड्राइवर, ये जो है स्पीड ऑफ द ड्राइवर वन गियर जो है, अपॉन स्पीड ऑफ द ड्रिवन जो कि है लास्ट वाला, इक्वल टू किसके होगा, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन, सॉरी ये ड्रिवन के रिस्पेक्ट में है ना, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन, ड्रिवन पे कितने नंबर ऑफ टीथ है, अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, ठीक है, तो इस पे कितने स्पीड है। तो स्पेशली जैसे कि N1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, N3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, अगर आपको टीथ निकालना है, जैसे कि अगर T1 की टीथ मालूम है आपको, इसकी स्पीड मालूम है, इसकी स्पीड मालूम है, T3 की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आपको N1 की स्पीड मालूम है और इनके टीथ मालूम है तो ये निकाल सकते हो। तो इसमें से डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर आपको निकाल सकते हो, N1, N3, T3, T1, ऐसे नंबर ऑफ पैरामीटर आप निकाल सकते हो, और स्पेशली अगर आपको जैसे कि T2 की निकालना है तो इन तीनों की वैल्यू मालूम होना चाहिए, इससे ये भी निकाल सकते हो। अब ट्रेन वैल्यू क्या होगी, जैसे कि मैंने बताया ट्रेन वैल्यू अपोजिट हो जाती है, तो स्पीड ऑफ द ड्रिवन अपोजिट हो जाएगा, ये N3 ऊपर चला जाएगा, ये N1 इधर आ जाएगा, और स्पीड ऑफ द ड्राइवर, और टीथ के रिस्पेक्ट में भी सेम वही हो जाएगा, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर ये ऊपर चला जाएगा, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन, तो उल्टा हो जाता है, स्पीड रेशो जो है आपका ये इसके 1/स्पीड रेशो के इक्वल होता है, ट्रेन वैल्यू 1/स्पीड रेशो, ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, टीथ का पता कर सकते हैं स्पीड से, तो वेरियस फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा जो है हम इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका सिंपल गियर ट्रेन है ये किस टाइप का होता है, और गियर ट्रेन में जनरली नंबर ऑफ गियर्स का अरेंजमेंट होता है। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, इस पर बेस्ड डिप्लोमा के अंदर या कहीं भी जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछ लेगा आपको, IES के अंदर पूछ लेगा, बेसिक से कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो जनरली जैसे कि मैंने आपको बताया प्लानिटरी जो गियर ट्रेन है उसमें गेट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस पे जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो होप आपने ये इन्जॉय किया होगा, और मेरे यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, और हर एक जो भी टॉपिक है उसके नोट्स बनाइए आप, और अगर आप गेट IES PSC की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अभी आपका जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है, इसको यूज़ कीजिए और पढ़ते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कंपाउंड गियर ट्रेन, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड गियर ट्रेन के बारे में। आप आई बटन दबा के मेरे नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।